राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सोलन में हिंदू जागरण मंच और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस दिन को सोलन में दिवाली के तौर पर मनाया गया। सोलन शहर में जहां उनके द्वारा मिठाइयां बांटी गई, वहीं पटाखे चलाकर भी अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री विवेक मोदगिल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सोलन में हिंदू जागरण मंच और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस दिन को सोलन में दीपावली के तौर पर मनाया। सोलन शहर में जहां उनके द्वारा मिठाइयां बांटी गई, वहीं पटाखे चलाकर भी अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री विवेक मोदगिल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रांत संगठन मंत्री विवेक मोदगिल ने कहा कि राम जन्मभूमि पर आए फैसले को सभी लोग दिल से स्वागत करते हैं और सभी लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला किसी संगठन की जीत नहीं बल्कि सत्य की जीत है। उन्होंने कहा कि आज का दिन सोलन में दीपावली के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम, जिन्होंने विश्व को अच्छे बुरे का ज्ञान दिया, दुश्मनों के साथ भी मित्रता करनी सिखाई। उनकी जन्मभूमि को लेकर पिछले काफी वर्षों से विवाद चल रहा था, लेकिन आज ये विवाद खत्म हो गया है। राम जन्मभूमि पर सैकड़ों वर्ष के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है। इसका सभी हिंदू समाज स्वागत करता है। पूरा भारतवर्ष आज के इस दिन का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा में था कब वो शुभ दिन आए और सभी हिंदू उस महादिवाली का आगाज करें, जिसकी प्रतीक्षा में आज सर्वोच्च न्यायालय ने सबकी प्रतीक्षा को या सबकी उम्मीदों पर सर्वोच्च न्यायालय खरा उतरा। आज पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जिस प्रकार सुबह कहा कि इस विवाद को समाप्त करने की ओर एक रास्ता निकला है। अब मस्जिद कहाँ बननी है ये सरकार का फैसला है कि मस्जिद कहाँ बनानी है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने रामलला को यह कहकर सम्मानित किया कि उस पूरी भूमि पर रामलला का अधिकार है, उसका हम स्वागत करते हैं। और यह किसी भी एक व्यक्ति की संगठन की जीत नहीं है, यह सत्य की जीत हुई है। और एक विश्व में भर में जो सनातन धर्म के ऊपर जो धब्बा लगा था कि हम राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर नहीं है, जिस राम के ऊपर हम हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से रामलीला करते आ रहे हैं, मंचन करते हैं, कई बड़े बड़े महारथियों के, नेताओं के, न्यायालयों के जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम जिनके राम के नाम से संबंधित थे, कई बार यह प्रश्न उठता था कि राम वास्तविक नहीं है, राम काल्पनिक है, जिस प्रकार का था। तो आज न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी के भ्रम को दूर कर दिया और यह निर्णय देकर एक सभी हिंदू समाज में एक हर्ष का लहर दौड़ गई है। और जिसका आपने अभी देखा कि अभी सोलन शहर में मिठाई बांटकर हिंदू का स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मिष्ठान वितरण किया, आतिशबाजी हुई, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। अब जो आगे की कार्रवाई होगी वो भी शांतिपूर्ण ढंग से होगी और देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।